क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब बहुत आम हो गया है। आजकल बाजार में हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, पर जरूरी है कि इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर यूज करने के साथ आपको सेफ्टी रीजंस का भी ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आपको ये करना चाहिए, आज की इस वीडियो में बात इसी पर करेंगे। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि बैंक के फॉर्मल चैनल के थ्रू ही आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए किसी दूसरे या इलीगल इंटरमीडिएटरीज को ना सौंपें या कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, ताकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लीक होने से या पर्सनल क्रेडिट स्टेटस पर नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बच सकें। कार्ड के पीछे अपना नाम साइन करें, ताकि अगर गलती से ये किसी और के हाथ लगे तो भी कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसी के साथ क्रेडिट कार्ड का अपना पासवर्ड दूसरों को शेयर बिल्कुल भी ना करें। अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट या क्रेडिट कार्ड दूसरों को यूज़ करने के लिए उधार बिल्कुल ना दें। कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, पासवर्ड और बैंक की अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को किसी के भी साथ आप शेयर ना करें। ATM पर पासवर्ड पूछते, निकालते, ट्रांसफर करते या बदलते वक्त इस बात को ध्यान रखें कि क्या ATM में कोई अननेसेसरी इक्विपमेंट ना हो। कार्ड को गिरने से बचाने के लिए कार्ड स्लॉट का कवर भी आपको रखना चाहिए। डिपॉजिट और विड्रॉल ट्रांजेक्शन में कैश छोड़ने से बचें और डिपॉजिट और विड्रॉल रिसिप्ट को फेंके बिल्कुल भी नहीं। अब ऑपरेशन खत्म हो जाए तो आपको कार्ड को टाइम से दोबारा ले लेना चाहिए और इसे ठीक से संभाल कर रखना चाहिए। कार्ड का यूज करते समय क्रेडिट कार्ड को आंखों से ओझल बिल्कुल भी ना होने दें। गलती से स्वाइप करने या ज्यादा बार स्वाइप करके होने वाले नुकसान से बचने के लिए कैशियर के कार्ड को स्वाइप करने के नंबर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जब ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है तो ये श्योर करना जरूरी है कि क्या कैशियर ने आपका क्रेडिट कार्ड आपको वापस कर दिया है। सिक्योर इंटरनेट और कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में ही क्रेडिट कार्ड का आपको यूज करना चाहिए। ऑनलाइन खरीदारी करते समय अच्छे और हाई स्टेटस पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए लंबे समय तक चलने वाली वेबसाइट या APN का आपको चूज करना चाहिए। फिशिंग वेबसाइट से सावधान रहें और CVV नंबर ऑनलाइन लेने के मामले में रिलायबल CVV दुकान से ही आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इनसिक्योर लिंक्स, फ्लोटिंग विंडोज, ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस जैसे चैनलों से ली गई वेबसाइट या पेमेंट लिंक पर रैंडमली या बिना देखे पढ़े क्लिक ना करें और पेमेंट करने के बाद समय से बाहर निकलें। अपने मोबाइल फ़ोन और मोबाइल पेमेंट पासवर्ड का अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप मोबाइल फ़ोन बदलते हैं तो आपको समय पर बेसिक मोबाइल पेमेंट बाइंडिंग को रिजेक्ट करना या बदलना चाहिए। बैंक अनाउंसमेंट की ऑथेंसिटी को केयरफुली आइडेंटिफाई करें। उन अनाउंसमेंट पर बिलीव ना करें जिनके लिए कस्टमर को डेजिग्नेटेड अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है, और जितनी जल्दी हो सके बैंक और पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्गन को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट करें। ओपन SMS, WeChat और अदर रिमाइंडर सर्विसेज आप पहली बार में अकाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिटेल है वो ले सकते हैं। टाइम पर बिलिंग डेटा की करेक्टनेस की इंक्वायरी करें। अगर आपको कोई डाउट है तो इंक्वायरी के लिए अपने बैंक के दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना चाहिए। अगर कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करें और FIR भी एक फाइल कर दें। कार्ड ट्रांजेक्शन के रिमाइंडर और कंफर्मेशन में बैंक के साथ एक्टिव फॉर्म में कॉपरेट करें। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन के बारे में क्विक इंक्वायरी करें और गड़बड़ अगर आपको लग रही है तो पेमेंट करने से साफ मना कर दें, और अगर ज़रूरत हो तो पुलिस को भी आपको रिपोर्ट कर देनी चाहिए। अगर प्राइमरी कार्ड होल्डर को लगता है कि सेकेंडरी कार्ड में अनकॉमन फॉर्म में बड़ी मात्रा में और कई ट्रांजेक्शन हैं तो उसे टाइम पर सिचुएशन को वेरीफाइड करने के लिए सेकेंडरी कार्ड होल्डर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अगर ट्रांजेक्शन के अनयूजुअल होने की कन्फर्मेशन होती है तो पेमेंट रोकने के लिए बैंक से कॉन्टैक्ट करें और पुलिस की रिपोर्ट करें। तो ये वो सारी मेन बातें थी जो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इन सभी बातों का खास ख्याल रखते रहिए, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते रहिए। क्रेडिट कार्ड सही है।